पानी की बोतल में ये लाइंस क्यों होते हैं? क्यों शाहरुख खान सिर्फ 555 नंबर प्लेट की ही गाड़ी चला सकते हैं? और कैसे ये आदमी सिर्फ पोछा मार के 70 लाख रुपए कमाता है? और जूस के ऊपर ये झाग क्यों आता है? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 22, आपको ये बात पता नहीं होगी कि शाहरुख खान 555 नंबर प्लेट को छोड़कर किसी भी और नंबर प्लेट वाली कार नहीं चलाते, इसलिए चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में बाइक के ऊपर 555 नंबर प्लेट नहीं था, तो उन्होंने उसके ऊपर नकली नंबर प्लेट चिपकाया। उनकी बाइक का जर्सी हर एक जगह पर 555 नंबर है, क्योंकि उनको लगता है ये उनके लिए लकी है। नंबर 21, ये एक फैक्ट है कि जो लोग अपने काम में ज्यादा बिजी रहते हैं वो ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि फ्री बैठने पर हमारा दिमाग नेगेटिव चीजें सोचता है। और आपने भी ये कहावत सुनी होगी कि खाली दिमाग शैतानों का घर होता है। नंबर 20, जब इंसान का जन्म होता है तब उसके पास नेचुरली बस दो डर होते हैं, एक ज्यादा आवाज का डर और ऊपर से नीचे गिरने का डर। ये ऐसे डर है जो हमें पैदाइशी होते हैं, पर आगे जाके हम इस पर काबू पा सकते हैं। पर इन्हें छोड़ के हमारे जो दूसरे डर होते हैं, जैसे अंधेरे से, कुत्तों से, भूतों से, ये सारे डर हम खुद डेवलप करते हैं अपने एक्सपीरियंस से। नंबर 19, ये फैक्ट नहीं पर मुझे काफी फनी लगा। आपने भी सबवे सफर के इस कैरेक्टर को देखा होगा, तो ये कैरेक्टर हमें रियल लाइफ में मिल गया। ये देखिए, ये लड़का बिल्कुल सबवे सफर वाले कैरेक्टर की तरह लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इसका वर्चुअल वर्जन यहाँ पर यूज किया गया है। वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि 2 मिलियन भी जल्दी होने वाले हैं। नंबर 18, अगर आप गूगल पर सर्च करोगे thispersondonotexist.com तो आप एक ऐसे पेज पर जाओगे जहां आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कभी एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं। आपको यहां पर जो फोटो दिखेगी ये सारी AI द्वारा जनरेट की गई है। जैसे कि ये फोटो आपको दिख रही है, ये व्यक्ति इस दुनिया में है ही नहीं। इसे देखकर यकीन नहीं होता, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो 100% इस तरीके का दिखता हो। नंबर 17, एक आदमी ने बस अपना खिलौना लेने के लिए 42 लाख का लोन ले लिया। डुबलिन में रहने वाले एक आदमी ने 42 लाख का कोविड लोन लिया था जिसमें इंटरेस्ट नहीं लगता, लेकिन आगे जाकर पता चला कि इसे कोविड नहीं था और ये लोन इसने कोविड के लिए नहीं बल्कि इसको पोकेमोन का एक बहुत ही पुराना कार्ड खरीदना था जिसके लिए इसने इतने सारे पैसे लोन पर लिए थे। जब इसके बारे में पुलिस को पता लगा तो इसे जेल में डाल दिया गया। नंबर 16, चाइना में एक कहावत थी जिसके हिसाब से पहले के लोग डॉक्टर को पैसे ठीक होने के बाद ही देते थे। अगर डॉक्टर उस पेशेंट को ठीक नहीं कर पाता है तो उस डॉक्टर को पेशेंट्स को पैसे देने पड़ते थे। हाँ, आपने सही सुना, पर आगे जाके इस रूल को निकाल दिया गया। नंबर 15, ये जो सीढ़ियाँ आपको दिख रही है ये कोई मॉडर्न डिजाइन नहीं है बल्कि कई पुराने घर में आपको स्टेयर्स दिख जाएंगे। इनको विच स्टेयर कहा जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो चुड़ैल होती थी वो नॉर्मल सीढ़ियाँ तो चढ़ लेती थी पर वो इन स्टेयर्स में नहीं चढ़ पाती थी क्योंकि उनके पैर उल्टे होते थे। इसलिए लोग अपने घर में ऐसे टाइप की सीढ़ियाँ बनाने लगे ताकि वो चुड़ैल से बच सके, और आज भी कई लोग ऐसी सीढ़ियाँ डिजाइन के लिए बनाते हैं। नंबर 14, ये जो पत्थर है ये कमाल का है। ये पत्थर हर दिन अपना कलर चेंज करता है और अलग अलग सीजन में ये अलग अलग कलर ले लेता है, और इसे IS रॉक कहा जाता है जो कि ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। नंबर 13, ये काफी शॉकिंग फैक्ट है कि जो लोग NBA के कोर्ट क्लीनर होते हैं, यानी कि जिनका काम हर मैच के हाफ टाइम में कोर्ट क्लीन करना होता है, उनकी साल की सैलरी करीब 60 लाख रुपए तक होती है, और काम करने वाला एक्सपीरियंस्ड है तो साल के 75 लाख रुपए भी उनको दिए जाते हैं। नंबर 12, चार्ली एंड चॉकलेट फैक्ट्री मूवी के एक सीन में गिलहरी जो है वो अखरोट को तोड़ रही थी, और इसमें नकली नहीं बल्कि असली गिलहरी का यूज किया गया था। ये रोबोट या CGI नहीं है बल्कि फिल्म बनाने वालों ने सच में 40 से ज्यादा गिलहरी को ट्रेन किया था ये सीन को शूट करने के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि इस सीन में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रियलिस्टिक बनाया जाए। और कमाल की बात तो ये है कि गिलहरियां एक्चुअल में अखरोट तोड़ने वाली मशीन से भी ज्यादा फास्ट थी। नंबर 11, ये जो लड़की है ये 13 साल तक एक अंधेरे से भरे रूम में बंद थे। इसका नाम है जनी। इसके पिता ने इसको करीब 13 साल तक एक बंद कमरे में रखा था। ये लड़की अब तक जिंदा कैसे बचे ये भी एक चमत्कार है। इसके पेरेंट्स को एक बीमारी थी जिसकी वजह से वो अपनी बेटी के बारे में बार बार भूल जाते थे। 13 साल के होने के बाद भी ये बोल नहीं पाते थे क्योंकि इसका दिमाग बड़े होने के बाद भी उसकी उम्र से कई गुना छोटा था। बाहर निकलने के बाद कई साल तक वो सही से ना ही चल पाती थी और ना ही कोई काम कर पाती थी क्योंकि बहुत ही ज्यादा वीक थी। नंबर 10, गूगल जो है वो डेथ को रोकने की कोशिश कर रहा है। गूगल की और एक कंपनी है जिसका नाम है कैलिको, और वहाँ ये ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जिससे एजिंग बंद हो सकती है और अल्टीमेटली हम कभी मरेंगे ही नहीं। वैसे आप ये वीडियो किस ऐप पे देख रहे हो? यूट्यूब, राइट? और मोस्ट प्रोबेबली आपके फोन में या तो iOS होगा या एंड्रॉइड। शॉपिंग किस वेबसाइट से करते हो? अमेजोन। एंड आई एम श्योर मूवीज आप नेटफ्लिक्स पे देखते होंगे। इन सभी अमेरिकन कंपनीज की इतनी तगड़ी ग्रोथ है तो आप भी इनका फायदा
अपना क्यों नहीं उठाते? आप बोलोगे कि यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने पे बहुत सारे चार्जेस एंड कमीशन इन्वॉल्व होंगे एंड स्टॉक्स भी एक्सपेंसिव है, एक एक स्टॉक हजारों डॉलर का होगा। देखो अगर आप मेरी तरह INDMoney ऐप यूज करते हो तो आपको पता होगा INDMoney ऐप से आप यूएस स्टॉक फ्रैक्शंस में बाय कर सकते हो, मतलब एक स्टॉक का एक छोटा सा पार्ट। और INDMoney पे कोई अकाउंट ओपनिंग फीस भी नहीं है, जीरो कमीशन है और जीरो ब्रोकरेज, ताकि आप एक स्मॉल अमाउंट से भी अपने फेवरेट यूएस कंपनीज में इन्वेस्ट कर सको। कुछ हफ्तों पहले मैंने आपको अमेजोन कंपनी के फ्री शेयर्स दिए थे और इस बार मैं आपको गूगल कंपनी के फ्री शेयर्स देने वाला हूँ। जी हाँ, बस डिस्क्रिप्शन के लिंक से INDMoney ऐप पे साइन अप करो और आपको गूगल के फ्री शेयर्स मिलेंगे रिवॉर्ड सेक्शन में। या फिर अगर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से INDMoney ऐप को इंस्टॉल करते हो तो बस इट्स गो कोड साइन अप के टाइम डालो और आपको गूगल के 250 रुपीज के शेयर्स मिलेंगे। ऑल्सो जब आप अपना यूएस स्टॉक अकाउंट फर्स्ट टाइम फंड करते हो तो आपको ₹750 का यूएस स्टॉक मिलेगा। सो देर मत करो, जस्ट क्लिक ऑन द लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड INDMoney ऐप पर अभी साइन अप करो। और हाँ, आपको तो पता ही होगा कि किसी भी टाइप की ट्रेडिंग में कैपिटल रिस्क पर होता है, तो इसीलिए आप अच्छा खासा नॉलेज एंड एक्सपीरियंस गेन करो तभी आप अपने पैसे लगाना। नंबर 10, 17 साल की उम्र में इलॉन मस्क ने एक कंप्यूटर एग्जाम दी थी, पर एग्जाम लेने के बाद उन्हें फिर से एग्जाम देना पड़ा क्योंकि इलॉन मस्क का स्कोर इतना ज्यादा हाई था कि एग्जामिनर को यकीन ही नहीं हुआ। उन्हें लगा कि इलॉन मस्क ने जरूर कोई चीटिंग की है, जिसके बाद फिर इलॉन मस्क का टेस्ट लिया गया और उसमें भी उन्होंने उतने ही कमाल के मार्क्स स्कोर किए। नंबर 9, एक इंसान दिन में 14 घंटे जागता है, तो देखा जाए तो 14 घंटे में 10% टाइम इंसान की आंख बंद रहती है क्योंकि 14 घंटे में हम 1 घंटे 20 मिनट हमारी आंख ब्लिंक करते हैं। नंबर 8, साइकोलॉजी के हिसाब से लड़कियां जो होती हैं वो सीरियस मामलों को छोड़कर लड़कों से ज्यादा सॉरी बोलते हैं, वो छोटी बातों पर सॉरी बोलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है और वो छोटी बातों के लिए सॉरी फील करते हैं। नंबर 7, दुनिया में बस आइसलैंड ही एक लौती ऐसी जगह है जहां पर मच्छर, सांप, यहां तक कि छिपकली भी नहीं है और यहां पर बस कुछ स्पाइडर्स की स्पीसीज मिलती है जो कि इंसानों के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। और इसका रीजन ये है कि यहां पर नॉर्मल टेम्परेचर -1 डिग्री से लेके 6 डिग्री तक ही रहता है, इसलिए कोल्ड ब्लडेड जानवर यहां पर सर्वाइव नहीं कर पाते। नंबर 6, एक बार इस फोटो को देखो, ये दोनों फोटो में 13 साल का डिफरेंस है। ये लड़की जब बाहर के देश में घूमने गई थी तब उसने इस आदमी के साथ फोटो खिंचवाया था और इसके करीब 13 साल के बाद जब वो फिर से वहां गई तो उसे सेम सड़क पर सेम आदमी मिला था जिसके साथ उसने फिर से वैसा ही फोटो खिंचवाया। नंबर 5, आपने ब्लू व्हेल के बारे में सुना होगा, पर ये देखिए, ये एक ब्लू व्हेल का हार्ट है जिसे प्रिजर्व करके रखा गया है और ये ब्लू व्हेल का नॉर्मल हार्ट है, कई ब्लू व्हेल के हार्ट इससे भी बड़े होते हैं। नंबर 4, आंध्र प्रदेश में एक 10 साल का लड़का अपने मरी हुई माँ के साथ 4 दिन से रह रहा था। दरअसल सर पर चोट लगने की वजह से इसकी माँ की मौत हो गई थी और इस लड़के को लगा कि उसकी माँ आराम कर रही है, इसके पिता नहीं थे, इसलिए लड़का खुद रोज तैयार होता था, स्कूल जाता था और आके नाश्ता कर लेता था जो उसकी माँ ने स्टोर करके रखा हुआ था। जब इसके मम्मी के शरीर से स्मेल आने लगा तो उसने अपने बहन को कॉल किया और वो देखकर चौंक गया कि उसकी माँ 4 दिनों से मरी पड़ी हुई है। नंबर 3, जब लोग मछलियों को पकड़ते हैं तो कभी कभी वो उन्हें सही से नहीं पकड़ पाते और वो कांटा मछली के मुँह में फंसा हुआ होता है, इसलिए क्रिस्टिना ज़ेनाटो नाम की एक महिला है जिन्होंने इस प्रॉब्लम को समझा और आज तक इन्होंने 300 से भी ज्यादा शार्क के मुंह से हुक निकाला है और उनके दर्द से उन्हें आजाद किया। इनके लिए 1 लाख तो बनता है। नंबर 2, पानी की बोतल के ऊपर ये लाइंस क्यों होते हैं? आपने भी इन 3D लाइंस को नोटिस किया होगा। अगर आपको लगता है कि ये स्टाइल के लिए हैं तो एक टाइप से हाँ, लेकिन इसी के साथ ये बोतल को मजबूती देता है। पानी की जो बोतल होती है वो हार्ड प्लास्टिक से नहीं बनते, जिसकी वजह से अगर ऐसी लाइन नहीं दी जाएगी तो वो बहुत ही आसानी से मुड़ जाएगी। इसी के साथ ये खास डिजाइन उनके ब्रांड को बाकी से अलग दिखाता है, इसलिए सारी पानी की बोतल पर अलग अलग डिजाइन होते हैं और बोतल का शेप भी अलग होता है। और इसका और एक इम्पोर्टेंट काम है ग्रिप, ये कर्व लाइंस वाली बोतल बहुत ज्यादा ग्रिप देती है और बोतल को पकड़ने में आसानी होती है। नंबर 1, जब भी फ्रूट या वेजिटेबल का जूस निकाला जाता है तो उसके ऊपर ऐसी फॉर्म क्रिएट हो जाती है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है? दरअसल आज जितने भी फ्रूट और वेजिटेबल के जूस निकाले जाते हैं वो सब ऑटोमेटिक यानी कि मोटर वाले मिक्सर या फिर जूसिंग मशीन के जरिए निकाले जाते हैं। ऐसे में जब जूस निकलते हैं और मोटर घूमती है तो जूस में बहुत ही ज्यादा हवा मिक्स होती है और हवा जो होती है यही फॉर्म क्रिएट करती है। और आपका मिक्सर या फिर जूसर जितना ज्यादा पावरफुल होगा यानी कि जितना ज्यादा पावर से घूमता होगा उतना ही ज्यादा जूस में फॉर्म क्रिएट होगा, इसलिए जिन जूस को हाथ से या फिर मोटर वाली मशीन से निकाला जाता है उसमें फॉर्म कम होता है या फिर नाक के बराबर होता है। डिस्क्रिप्शन लिंक से INDMoney ऐप डाउनलोड करके अपने फ्री गूगल के शेयर्स क्लेम करना मत भूलना। कोड याद रखो इट्स गो और अपना यूएस स्टॉक अकाउंट फंड करो। ये कोड और लिंक अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करो ताकि उन्हें भी फ्री अमेज़न के शेयर्स मिले।
अब आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत, क्योंकि 2 मिलियन भी बहुत करीब है। और हमारी अगली वीडियो आने तक आप इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो, ये भी काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।